नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे थायराइड के लिए। थायराइड अधिकतर महिलाओं को ही होता है, 90% थायराइड महिलाओं को ही होता है। इसके लिए जो मैं आज फॉर्मूले बता रहा हूं, ये दोनों तरह के थायराइड में आपको काम करेंगे और दोनों ही तरह के थायराइड में काफी रिलैक्स रिलीफ देंगे आपको और आपके थायराइड को। अगर 40 से 45 दिन तक लगातार आप इन चीजों को यूज करेंगे तो आपका जो थायराइड रोग है वो जड़ से भी खत्म हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको तीन फार्मूले ऐसे बताने वाला हूं जो आपने घर पर आप आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले है त्रिकुटा। त्रिकुटा, हाँ जी, तीन चीजों का मिश्रण है। सबसे पहले अदरक, सूखी हुई अदरक यानी कि सौंठ। दूसरे नंबर पे काली मिर्च। तीसरे नंबर पर पीपल। पीपल दो तरह की होती है, छोटी पीपल बड़ी पीपल। आप छोटी पीपल या बड़ी पीपल कोई भी पीपल ले सकते हैं, दोनों के गुण धर्म बिल्कुल समान है। आइए इसका कैसे प्रयोग करना है मैं आपको बता देता हूं। त्रिकुटे के बारे में बता दूं मैं, काली मिर्च, सौंठ और तीसरे नंबर पे होती है पीपल। इन चीजों को आप समान मात्रा में ले लेंगे। मान लिया कि काली मिर्च आपने 100 ग्राम ली है तो उसी तरह अदरक भी 100 ग्राम लेंगे और छोटी पीपल या बड़ी पीपल भी 100 ग्राम लेंगे। तीनों को आप हमाम दस्ते से कूट लें या ग्राइंडर से आप अच्छी तरह पीस लें और इनका एक चूर्ण तैयार कर लें, पाउडर तैयार कर लें। और इस पाउडर को आधा चम्मच सुबह खाली पेट दूध के साथ प्रयोग करें। कम से कम एक गिलास में आधा चम्मच इस मिश्रण का प्रयोग करें और शाम को भी इसी तरह आप इस त्रिकुटे का प्रयोग करें। दूध गुनगुना होना चाहिए और जो इस मिश्रण की मात्रा है वो 2 से 3 ग्राम की होनी चाहिए। इसको कंटिन्यू आप 40 दिन करेंगे तो आपके थायराइड में काफी रिलीफ होगा, वो किसी तरह का भी थायराइड क्यों ना हो। नंबर दो पे आता है धनिया। साबुत धनिया आप मार्केट से ले आए, अगर आपकी रसोई में नहीं है तो आप उसको ग्राइंडर करके उसका पाउडर तैयार कर लें और एक गिलास पानी के अंदर आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल के अच्छी तरह उसको उबाल लें और जब वो गुनगुना पीने लायक हो जाए तो इसे खाली पेट आप डेली प्रयोग करें। आप 40 से 45 दिन में देखेंगे कि आपके थायराइड में काफी रिलीफ है। और नंबर थर्ड पे है गौमूत्र। गौमूत्र का सुबह खाली पेट प्रयोग करने से आपके थायराइड में काफी राहत मिलती है। गौमूत्र का 100 से 150 ग्राम खाली पेट प्रयोग करेंगे तो आपके थायराइड बिल्कुल खत्म हो जाएगा। गौमूत्र से थायराइड का कैंसर, चर्म रोग या गले की कोई भी बीमारी है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। साथ के साथ थायराइड रोगियों को कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर पैदल जरूर चलना चाहिए और उन लोगों को दूध दही का भरपूर मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। अब बात आती है मोटापे की। थायराइड के कारण जिन रोगियों को मोटापा हो जाता है उसके लिए एक साधारण सा घरेलू नुस्खा है। आप 250 ग्राम हनी यानी कि शहद के अंदर एक चुटकी खाने वाला चूना मिला लें। लगभग चूने की मात्रा 4 से 5 ग्राम रहेगी। उसको शहद में अच्छी तरह मिला लें। ध्यान रहे शहद में चूने की कोई गांठ ना दिखे, उसको अच्छी तरह उसमें मिक्स कर लें और सुबह के टाइम पे एक गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच उस शहद का मिलाकर पीने से आपके मोटापे में काफी रिलीफ होगा और शाम को टाइम पे भी आप ऐसे ही प्रयोग कर सकते हैं। और ये प्रयोग आप किसी भी जड़ी बूटी के साथ कर सकते हैं, चाहे गौमूत्र के साथ कर लें, इस त्रिकुटे के साथ कर लें या फिर जो मैंने धनिया बताया उसके साथ कर लें। ये थायराइड के लिए काफी महत्वपूर्ण काम करने वाली चीजें हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हमारी सभी वीडियोज का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।